परवर्तापूर्ण लाठीचार्ज अश्रु गैस एक एक व्यक्ति के पीछे 20-30 पुलिस कर्मी खड़े होकर के उसे मार रहे थे। और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। हमारे जहानाबाद के जिला के महामंत्री विजय कुमार सिंह की शहादत। प्रदर्शन जुलूस वगैरह को डिस्पर्स करने के लिए हमारी बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनसे कि हमारा मिलना हुआ, मिर्चा का पाउडर देकर और जिसके कारण ये लगता है कि ये बर्बरता की प्रकाश था। पिछले 13 जुलाई को भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज को लेकर भाजपा की 4 सदस्य टीम आज पटना पहुंची। पटना पहुंचने के दौरान जो है उन्होंने डाक बंगला चौराहे से लेकर गांधी मैदान सहित कई अन्य जो मार्ग का जो क्षेत्र था, पैदल मार्च का जो क्षेत्र था, उसका निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। 4 सदस्य टीमों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, सुनीता दुग्गल और विष्णु दयाल राम शामिल थे। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जुडिशियल इंक्वायरी की भी मांग की। आइए सुनते हैं रघुवर दास क्या कुछ कह रहे हैं। आज के इस प्रेस वार्ता में मंच पे उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के सभी सम्माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पटना संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर जी, सभी यहाँ उपस्थित प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, विगत 13 मार्च को जो जनहित के मुद्दे पर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित जो शांति मार्च रैली को जिस तरह बिहार की सरकार ने कुचलने का काम किया, उसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से ली और गंभीरता से लेते हुए 4 सदस्यीय टीम, जिसमें इस टीम में गढ़वा के हमारे सांसद एवं झारखंड प्रदेश के पूर्व डीजीपी और अभियाजित बिहार में पटना के सीनियर एसपी रहे श्री बीडी राम जी, हरियाणा के लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती दुग्गल जी, सुनीता दुग्गल जी, और दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद सम्माननीय मनोज तिवारी जी की टीम राष्ट्रीय नेतृत्व ने बनाई और आज सुबह 10 बजे से ही हम लोग विभिन्न स्थानों में हॉस्पिटल, डाक बंगला चौक और अभी पार्टी कार्यालय में लगभग 200 से ज़्यादा जो सीरियस इंजोर्ड जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम लोग ने पूरी घटना की जानकारी ली। तो इस घटना की जानकारी के बाद हम लोग ने महसूस की कि 13 मार्च को जो भारतीय जनता पार्टी 13 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश बिहार प्रदेश के द्वारा जो आयोजित जो इस स्वार्थी गठबंधन चुनाव के समय जो जनता से वादे किए थे कि हमारी सरकार बनाइए 20 लाख लोग को हम सरकारी नौकरी देंगे, शिक्षा नियुक्ति हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, किसान की समस्या हो, वो लोग भी आंदोलन कर रहे थे, उन पर भी सरकार ने लाठी बरसाई।
और एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी ने भी जनहित के मुद्दे पर शांति मार्च जो निकाला और जिस तरह सरकार का व्यवहार जो आज जानकारी हमें प्राप्त हुई, हम कह सकते हैं कि श्रीमान नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार ने ये राज्य प्रायोजित हिंसा की है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है, क्योंकि शांतिपूर्ण जुलूस जहां हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण थे, और आप सब मीडिया के साथियों को भी भारतीय जनता पार्टी जो आपने निष्पक्ष होकर सारी वीडियो टीवी के माध्यम से दिखाने का काम किए, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, अश्रु गैस, और वो अश्रु गैस में मिर्चा का पाउडर देकर, और जिसके कारण हमारे जहानाबाद के जिला के महामंत्री विजय कुमार सिंह की शहादत हुई। इस घटना में हमारे पूर्व मंत्री विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और यहाँ नेता प्रतिपक्ष श्री विजय सिन्हा जी, हमारे सांसद सेगरीवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अनेक विधायक, सांसद, पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाओं को लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को गंभीर चोट आई है, और ज़्यादा गंभीर में 300 से ज़्यादा लोग गंभीर चोट में आए हैं। जिस तरह ये सरकार सोची समझी राजनीति के तहत ये काम किए, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है, ये सरकार को बतानी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने 13 मार्च के लिए परमिशन, 13 जुलाई को जब परमिशन दी गई, कि आवेदन दी गई थी, तब प्रशासन के द्वारा कहा गया आप रूट दीजिए, प्रदेश के द्वारा रूट दी गई, जिसे जिला प्रशासन ने स्वीकार कर लिया, और कहीं भी लिखित आदेश नहीं दिया गया कि आप इस रूट से जा सकते हैं या उस रूट से जा सकते हैं, और तय कार्यक्रम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जुलूस निकाले, और उस जुलूस को भी गोलंबर चौक में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहाँ धक्का धुक्की भी हुई, और उसी धक्का धुक्की में हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह गिरे, सर में चोट लगे, और अस्पताल ले जाने के समय उसकी मृत्यु हुई। अब वो जांच का विषय है, उस पर जाँच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई ये सामने आएगी। उसके बाद गोलंबर चौक आने के पूर्व वो जुलूस को SB मार्ग से जाना था, लेकिन प्रशासन ने डाइवर्ट करके जहां मेट्रो सिटी का रोड बन रहा, वहां संकरी गली थी, उस जगह भी हम लोग भी गए, और वहां से जुलूस को डाइवर्ट किया गया, और वहीं ही अश्रु गैस और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मैंने मीडिया में भी एक फुटेज देखा, डाक बंगला के पास भी हमारा प्रदर्शनकारी पहुंचा ही नहीं था, जैसे पहुंचा और वैसे सीधे पुलिस हिंसा पर उतारू हो गई, पुलिस लाठी चार्ज करने लगी, और इतनी बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज की इसमें था, और पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई पर ही मेरी टिप्पणी यथोचित होगी। पुलिस बल का किसी भी प्रदर्शन, जुलूस व
वगैरह को डिस्पर्स करने के लिए मिनिमम फोर्स का यूज करना है, कम से कम बल का यूज करना है। पर जिस प्रकार से हम लोगों ने जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जख्मी हुए हैं, उनके जख्मों को देखा और उनसे वार्ता की, तो कहीं से भी ये नजर नहीं आता है कि कम से कम बल का प्रयोग किया गया है उस प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। बल्कि यदि ये कहा जाए कि एक एक व्यक्ति के पीछे 20-20 पुलिसकर्मी खड़े होकर के उसे मार रहे थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वीडियो फुटेज से भी आप सब देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति को डील करने के लिए 20 पुलिसकर्मी उसके पीछे खड़े हो जाए, उसे मारने लगे, तो उसकी स्थिति कैसी होगी। और यही कारण है कि आज इतने कार्यकर्ताओं, इतने पदाधिकारियों के सर पर चोट आई है, उनके पीठ पर पूरी तरह से लाठियों की बाछोर की गई है। ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि ये मिनिमम फोर्स का यूज हुआ है। और प्रदर्शनकारी, ये राजनीतिक दल के प्रदर्शनकारी थे, उनको अपराधियों के जैसा ट्रीट किया गया है। उनको जिस प्रकार से एक अपराधी को डील करने के लिए पुलिस सराहना करती है, उस तरह से प्रदर्शनकारियों को डील करने के लिए पुलिस ने ये व्यवहार किया है। मैं समझता हूँ कि पुलिस बल को आत्ममंथन करने की जरूरत है, और जैसा आदरणीय रघुवर दास जी ने कहा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और भविष्य में पुलिस बल किस प्रकार से पुलिस बल का प्रयोग हो, और खास करके ऐसे प्रदर्शन को डील करने के लिए, ऐसे प्रदर्शनकारियों को डील करने के लिए एक एक निश्चित रूप से गाइडलाइंस बननी चाहिए, न केवल राज्य के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर वो भारत है, और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और वो भी एक ऐसी डिसिप्लिन पार्टी है, गार्डन रेल पार्टी है, जिसका कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है, जिसमें महिलाओं को बहुत राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश रहती है। आप लोगों को भी मालूम ही होगा कि आज फिलहाल की अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर कोई महिला मंत्री किसी सरकार में बने हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार में बने। ऐसे उसमें इस लोकतंत्र के अंदर हर राजनीतिक पार्टी को यह अधिकार है कि वो जहां कहीं पर भी उनको आम जनता के ऊपर ज्यादती नजर आए, अत्याचार नजर आए, तो उसका वो पुरजोर विरोध करे। और विरोध करने का सबका अपना तरीका अलग है। एक शांति पूर्वक तरीके से जो मार्च हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा था, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है उनके नेतृत्व में निकाला जा रहा था, उसमें जिस बर्बरता से नीतीश जी की सरकार ने महिलाओं के ऊपर, खासकर मैं कहूं कि जो उन्होंने लाठियां बरसाई हैं, वो मुझे लगता है कि इसका उदाहरण आज तक पहले कभी देखने में नहीं आया। महिलाओं को ना केवल पुरुषों ने बहुत बुरे तरीके से जो है वो उनको ऊपर की तरफ, उनके सिर के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर, उनके हाथ के ऊपर, उनके पीठ के ऊपर जिस बुरी तरह से जो है वो लाठियां बरसाई गई हैं, मुझे लगता है कि ये बर्बरता की प्रकाशा है। हमारी बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनसे कि हमारा मिलना हुआ, हमारी बहन मीना ओझा जिसके सिर पे भयंकर चोट लगी है और क्लॉटिंग भी बताई गई है डॉक्टर की तरफ से, हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हो। हमारी बहन चिंता झा जिनको छाती के ऊपर उनकी रिब्स टूट गई है, उनकी पसली टूट गई है, हमारी बहन पिंकी, हमारी बहन इंदु, हमारी महिला प्रदेशाध्यक्ष लाजवंती जी, उनकी भी छाती पर बंदूक के कुंड से प्रहार किया गया है। और वो भी जो मेल कांस्टेबल्स हैं, जो मेल पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से।
हमारी बहन बेबी जो कि पूर्व में विधायक भी रही है, एक हमारी बहन रजनी जिनकी पीठ को बुरी तरह से जो है वो नीला कर दिया गया है मार मार। तो मुझे ये लगता है कि ये महिलाओं के साथ जो नीतीश सरकार की बर्बरता है इसको बहुत बारीकी से हमें देखना होगा कि इस सरकार की सोच जो है महिलाओं के लिए क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो इस टीम का गठन किया, एक एक मेंबर को बड़ा सोच समझ के उन्होंने इसका सदस्य बनाया। रघुवर प्रसाद जी जो कि खुद पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जिनको प्रशासन का पूरा अनुभव है, रघुवर दास जी और इसके साथ साथ हमारे पूर्व में डीजीपी उनको पुलिस प्रशासन का, जैसा आप लोगों को बताया कि कोई तरीका होता है किसी भी प्रोसेशन जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसका कोई तरीका है। सबसे पहले उनको वाटर कैनन से तितर बितर करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद आंसू गैस जो है उसका प्रयोग किया जाता है, टियर गैस का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद भी बहुत देख कर जो है वो लाठी चार्ज किया जाता है कि जहां पर मैदान हो ताकि कोई हल्की फुल्की पैरों के पास किसी को लाठी लगे तो तितर बितर हो जाए लोग ऐसी संकरी जगह पर। ये तो मुझे लगता है कि शायद जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया था उसी को दोहराया गया है एक तरह से अगर देखा जाए। ऐसी संकरी जगह पर जिस तरह से चुन चुन कर महिलाओं को उन पर अत्याचार किया गया है, उन पर लाठी चार्ज किया गया है, हमने सब जगह की जो है बहुत बारीकी के साथ रिपोर्ट ली है और उस रिपोर्ट को हम कलम बंद करके सही तरीके से उसका एक जिस्ट बनाकर अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस रिपोर्ट को हम सौंपेंगे और उस रिपोर्ट के अंदर हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए ताकि आपने सुना है कि किस तरह से रघुवर दास, सुनीता दुग्गल और विष्णु दयाल राम ने इससे संबंधित विषयों को रखा। इसके साथ साथ उन्होंने जो जुडिशल इंक्वायरी की भी बात उन्होंने साफ तौर पर कही है और सरकार से मांग किया है कि इसकी जांच जो है जितनी जल्द हो सके वो करें। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।